अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाप दादा ने कहा, जिससे प्यार होता है वह ना चाहते भी याद आता है। तो आपके लिए सबसे प्यारे से प्यारा कौन है? लौकिक में भी जब किसी व्यक्ति या वैभव से प्यार होता है तो उसे चाहते हुए भी भूल नहीं पाते, उनकी याद सहज और निरंतर आती ही रहती है। तुम एक तरफ कहते हो मेरा बाबा, प्यारे थे प्यारा बाबा, तो फिर ऐसे बाप की याद सहज और निरंतर क्यों नहीं रहती? क्या कारण है? जरूर अब तक भी कहीं कुछ प्यार अटका हुआ है, पूरा प्यार बाप से नहीं लगाया, इसलिए ही एक बाप के बजाय दूसरे तरफ भी बुद्धि चली जाती है। फिर बाबा ने एक बात पूछी, क्या प्यारे थे प्यारे बाप के रूहानी प्यार का अनुभव अभी तक नहीं किया है? क्योंकि रूहानी प्यार का अनुभव इतना श्रेष्ठ है जो कभी कोई भूल नहीं सकता। अगर एक सेकंड भी उस प्यार के अनुभव में चले जाएं, तो सारा दिन पता कैसा होगा? जानते हो ना, जैसे कोई पावरफुल चीज़ होती है तो उसकी एक बूंद भी बहुत कुछ कर देती है, और कम ताकत वाली चीज़ कितनी भी बूंद डालो उतना असर नहीं होगा। तो इस रूहानी प्यार की एक घड़ी भी बहुत शक्ति देती है। तो अनुभवी हो या सिर्फ सुना और मान लिया, जितना अनुभवी आत्मा होगी उतना मास्टर सर्वशक्तिमान भी होंगे। बाबा ने कहा, पुरुषार्थ की स्पीड ढीली होने का एक यही कारण है, जो अनुभव करने की बजाय सुनने और सुनाने वाले बन जाते हो। इसलिए बाबा से जो भी खजाने मिले हैं, चाहे ज्ञान गुण या शक्तियाँ, उनका अनुभव करो। केवल सुनना सुनाना नहीं है, तो पुरुषार्थ की स्पीड ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।